हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? मैं सदफ आपके साथ, और आज मैं लेकर आई हूँ सब्ज़ी बना रही हूँ। मैंने कहा चलें आपके साथ कुछ बातें ही कर लूँगी सब्ज़ी बनाते बनाते। तो मैंने कहा चलें, मैंने कहा कोरोना वायरस तो फैला हुआ है, लेकिन आप एहतियात करें, हाथ मिलाने का तो बना क्या, लेकिन जब आप सब्ज़ी लेकर आएँ तो उसको पहले वॉश कर लीजिएगा, फिर इसको आप इसका छिलका उतारिएगा। हम ले तो आते हैं तो भिंडी को भी वॉश करें अच्छी तरह, और हरा धनिया पुदीना, और वायरस तो पता नहीं किसके थ्रू भी पहुँच सकता है ना, तो ये हाथ के थ्रू पहुँचे, किसी भी थ्री दही लेकर आए, कुछ भी लेकर आए, उसको आप पहले वॉश कर लीजिए, फिर अपना खाना पकाना शुरू कीजिएगा। चले जी, मैंने कहा चले मैं सब्ज़ी बना ली तो आपके साथ कुछ बातें भी कर ली जाए। और आज मंडे है तो सारे सो रहे हैं, मैंने सफाई भी कर ली है अपनी, और मैंने कहा चले अब खाने का टाइम होने वाला है, आज छुट्टी है तो सब बच्चे घर में, तो मैंने कहा भिंडी मैंने कल अपने हस्बैंड से कहा लेकर आएगा तो वो ले आए थे, तो मैंने कहा आज सब्ज़ी बना लेते हैं। गोश्त खा के भी ना, बच्चे घर में हो तो फिर उनको गोश्त चीज़ें चाहिए गोश्त, तो मैंने कहा भिंडी शौक से खा लेते हैं, बच्चे तोरी भी खा लेते हैं शौक से, तो फिर मैंने कहा आज भिंडी और तोरी पका लेते हैं ताकि बच्चे खा लें, छुट्टी भी है। देखिए फ्रेंड, मैंने तोरी भी चढ़ा दी है और भिंडी भी चढ़ा दी है, देखें तो मैंने कहा जल्दी जल्दी चढ़ा दूँ, घर में मर्द हैं, आज टाइम नहीं था, फिर किसी दिन आपसे शेयर करूँगी तोरी की रेसिपी भी और भिंडी की भी रेसिपी। तो मैंने कहा चलें, ये हमारी भिंडी तैयार हो गई है और अब हम जाके डस्टिंग करेंगे। चले फ्रेंड, सफाई तो मैंने कर ली थी तो अब मैं डस्टिंग करने आई हूँ, तो चलें आप मेरे साथ डस्टिंग में मेरे साथ शामिल हो जाएं, आप भी मेरा हाथ बटा दें। अकेली लगी हुई, बेटी ने रोज़ा रखा हुआ है और बेटे तो अपने अपने मोबाइलों में लगे हुए हैं, तो मैंने कहा चलें आप मेरे साथ डस्टिंग कर लें, तो मैं अपनी डस्टिंग शुरू कर देती हूँ। सफाई मेरी हो गई है, ये देखें सफाई सारी मैंने कर ली हुई है, सफाई मैंने कर ली हुई है सारी। देखिए मैं ना ये लेकर आई थी तस्वीर खाना कावा की, तो मुझे अच्छी लगी, चले मैं भी आपको दिखाऊं लाइट बंद करके कि कैसी लग रही है। अच्छी लग रही है ना आपको? मुझे भी बहुत अच्छी लगी, मैंने जाके बाज़ार से परचेज की, बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छी है, ज़बरदस्त। लाइट बंद करने तो कितना अच्छा खूबसूरत मंजर लगता है, तो मैंने कहा चले आप लोगों से शेयर करूँ, कैसी लगी आप कमेंट्स में बताइएगा मुझे। और अब मैं डस्टिंग जरूरी करूँगी, आप मेरे साथ रहिए डस्टिंग में, नज़दीक से दिखाओ फिर। ऐसा लग रहा है ना आप वहीं पे पहुंच गए हैं। आजकल तो कोरोना वायरस की वजह से बंद है सब लोग जाना आना, तो आपको यहीं से मैं मंजर दिखा दूं इसका, खूबसूरत है ना, ज़बरदस्त। और मैंने ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है, रीज़नेबल प्राइस है इसकी, आप कमेंट्स में पूछेंगे तो मैं बता दूँगी। ड्रिलिंग मशीन मिली नहीं थी तो हमने अभी यहीं पे लगा दी है, अभी कोरोना वायरस की वजह से दुकान भी बंद है, तो हमने कहा चले जब तक ऐसे रख देते हैं ड्राइंग रूम में, और जब फरूस आपको टाइम मिलेगा तो बच्चों को तो वो लगा देंगे। तो ये मेरा ड्राइंग रूम है, तो मैंने कहा चलो डस्टिंग करती हूँ और आपसे बातें भी करती हूँ। आज शायान ने मुझे डरा दिया, देखे शायान आ गए, शायान मेरे साथ डस्टिंग ही करा दो बेटा, चलो डस्टिंग कराओ। साफ चीज को क्या साफ करना, नहीं तो साफ को साफ ही करना। मैं तो ये देख रहा हूँ लोग यूज के लिए क्या क्या करते थे, साफ चीज को साफ करते हैं। अरे ये तो डेली का रूटीन है ना, आपको पता नहीं चाहिए साफ है तो उसको छोड़ दे बंद कर। नहीं बेटा, हमारे तो सेहत तो सबसे पहले है ना, साफ चीज को साफ करना। जब तो हमारी सफाई का पता चलेगा, लोग कहेंगे सफाई है नहीं जी, मैंने कहा चले आपको बता दूं, आजकल जो कोरोना वायरस का चल रहा है चक्कर, तो और वैसे भी आपको अपने घरों में जरासीम मारने के लिए ये हर्बल लेना है, थोड़ी सी फ्राई पैन में ले लें, और थोड़ी सी आप ले लें क्या कहते हैं लुबान, आप लुबान को पीस लीजिए, और फिर इसको ना आपने पीस के, ये लुबान है इसको आप पीस लें, और ये भी इसके साथ मिक्स कर लें,
ये हमारे बड़े बूढ़े और बुज़ुर्ग जो थे ना, वो हम लोगों को बताया करते थे कि घर में जब कोई बुरी चीज़ या परेशानी हो, आफत हो, तो आप अपने घरों में लुबान की धुनी दें। और मेरे घर में भी एक आई हुई है, तो मैं उसके लिए कर रही हूँ। चले आप मेरे साथ रहिएगा फ्रेंड्स। पता है आपने फिर क्या करना है? फिर आपने इसको लेना है ऐसे, इसको खूब गर्म कर लें। खूब गर्म करेंगी तो ये जब बहुत ज़्यादा हीटअप हो जाएगा ना, तो इसमें से धुआं निकलेगा पूरे घर में। आप इसके धुएँ को घुमा लें और या चूल्हे पे ऐसे छोड़ दें, तो आपके आपके घर में खूब खुशबू भी आएगी और आपके जरासीम हैं सब मर जाएंगे। कल वो मेरे कज़न ने पूछा, आरिफ भाई ने, तो मैंने कहा चले मैं बता देती हूँ आपको। ये देखें धुआं निकल रहा है ना, देख रहे हैं धुआं निकल रहा है ना। अब मैं आपको ना लेके जाऊंगी शायान के पास और उसके साथ करेंगे हम मस्ती। साथ रहिएगा मेरे, शायान को पता नहीं मैं क्या करने वाली हूँ उसके साथ। देखिएगा मेरे साथ रहिएगा, देखें धुआं उठ रहा है ना, ये धुआं और इसकी खुशबू आप महसूस कर नहीं सकते, मैं तो महसूस कर रही हूँ। और मैं हर वीक पे इसको करती हूँ ताकि मेरे घर में से जितनी भी बुरी बुलाएँ, आफते, नज़र, हसद सब दूर हो जाएँ। तो इसको अपने घरों में करना चाहिए। मैं ना शायान के साथ, आप लोग मेरे साथ रहकर मैं शायान के ऊपर चाह रही साथ, ठीक है? शायान क्या कर रहे हो? आज हम जूस बना रहे। क्या जूस बना रहे हो? शेक बना रहे हैं, मतलब के जिसम में दर्द वगैरह ना हो, पावर रहे। आप एनर्जी ड्रिंक बना रहे हैं? अच्छा, एनर्जी ड्रिंक बना रहे हैं जी। इससे फर्क भी पड़ता है आपको? जी पड़ता है। अच्छा, कितना फर्क पड़ा है? ये देखें आप मतलब हड्डियों वगैरह में अगर आपके दर्द होता है तो ये चीज आपकी दूर कर सकती। सही, बिल्कुल ये बात की ना आपने। और इसमें कितने केले डलेंगे, कितनी खजूरें डलेंगी शायान? हम 5 केले लेंगे, 6 खजूर लेंगे। अच्छा शायान, कहीं मैं कचरे में आपका ये मोबाइल ना फेंक दूं? क्यों? कचरे में पड़ा है। अच्छा, केले के छिलकों के साथ ना मैं डस्टबिन में ना डाल दूं। सही है। अब आप इसमें जग में एक जग ले लें। इसको तोड़ना भी है शायद? आपकी मर्जी, हमारा जग छोटा है, तोड़ देता। कितना दूध डालना है इसमें? 2 ग्लास दूध डालना है। 2 ग्लास दूध डालना है। और चीनी भी डालनी है? डालनी है। कितनी? 3 चम्मच। 3 चम्मच। चलो जी, 3 चम्मच डाल लें। अंदाजे से डालेंगे यार। 1 मतलब ये अंदाजे से आपने डाला है? सही है। 2 टेबल स्पून कह रहे हैं। 2 ग्लास बना रहे हैं ना आप? जी जी, आप बना रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए ना। फुल एनर्जी ड्रिंक बना रहे हैं आप। और इसमें अब आप क्या डाल रहे हैं? बादाम और पिस्ते डालेंगे। सही, फुल एनर्जी ड्रिंक है भाई। इसको हम पीस लेंगे। अच्छा, आपने पीसना है ये? आप जब आप ये मेरे बादाम के लिए पेपर है, इसके अंदर रखते हैं। ये देखें शायान के टोटके। ये देखें शायान के टोटके, ये लिए इन्होंने पेपर और अभी इसको कूटेंगे। बचपन में हमने शायान आपको कभी कूटा था ना ऐसे? बताओ, कूटा था कभी? ये देखने वाले जो है ना सारे ये भी कूटे। मेरे शेल्फ ना टूट जाए। दिखाओ टूट गया? दिखाओ। वाओ जबरदस्त। शायन अब क्या डाल रहे हैं आप? अब हम क्यूब्स डालेंगे। अच्छा, क्यूब्स डालने हैं। और जो बाहर गिर जाए उसको नहीं खाना। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं शायन जी। आप पार्टी की वीडियो बना रहे हैं शायन जी। आप बस प्यार हो गया, बस ग्राइंड करने। अच्छा, ग्राइंड करने जा रहे हैं। चले शायन, इसको पहले तार तो लगा ले।
ये देखें। अगर आपके बच्चे गाढ़ा जूस नहीं पीते तो आप उनको ऐसे छन्नी से निकाल के पिलाएं, मतलब उनको डंडी से मार के पिलाएं, या तो डंडी या तो छन्नी। अब जो सा आपके बच्चे को सूट करे। डंडी नहीं तो छन्नी, नहीं तो डंडी। आज में हमारे शरीर को तो इसको खूब डंडा मारना पड़ता है। को डंडियों का बड़ा शौक है। इसको आप बोले डोंगा डोंगा डोंगा, ये डालना सिखाए उनको, किन्हें गिर जाएगा। ना ना दिखाओ, देखो देखो देखो। फ्रेंड्स, हमारा एनर्जी ड्रिंक तैयार है शायान के हाथों से बना हुआ। आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शायान को सपोर्ट कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।